स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। और जैसा कि अभी सीटेट का एग्जाम चल रहा है, तो इस एग्जाम में जो भी प्रश्न हमें मिले हैं बच्चों की सहायता से, एग्जाम में जो सीटेट के आए हैं उन प्रश्नों का हमने पूरा एनालिसिस किया है। और जीन पियाजे से संबंधित या संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आपके सामने हैं, जो आगे आने के लिए महत्वपूर्ण है और यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न कौन कौन से हैं, पहले प्रश्न की बात करते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की, तो ये किसने पहचान की है? हमारा उत्तर आएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की चार अवस्थाएं बताई हैं, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से चिंतन करता है, लेकिन किसके विषय में? वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में। तो कौन सी अवस्था होगी? ये हमारी तीसरी अवस्था होगी, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, ठीक है। ये हमारी जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसकी ये तीसरी अवस्था है, जिसे हम कहते हैं मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? भाई सोचिए जरा, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन निर्माण प्रखंड हैं, मानसिक संक्रियाएं जो हमारा स्कीमा बनता है, उसी को हम मानसिक संक्रियाएं या मानसिक संरचनाओं के चिंतन के निर्माण का प्रखंड कहते हैं। और इस शब्द में प्रयोग किया है जीन पियाजे ने स्कीमा का, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, नाक, हाथ आदि से सोचते हैं, तो कौन सा स्तर शामिल होता है? अब भाई देखिएगा, बच्चा आँख, नाक, हाथ इससे सोचता है, तो इसका मतलब है वह सक्रिय रूप से सोचता है। तो कौन सा स्तर होगा? हमारा प्रथम स्तर होगा, जिसे हम बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था होगा हमारा ये। अगला प्रश्न है हमारा, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की विशेषता है? अब भाई अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, ठीक है, के लिए क्षमता विकास किस अवस्था की विशेषता है? तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन किस में होता है? हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद है, पियाजे के अनुसार अमूर्त कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन। अभी हमारा जो ऊपर प्रश्न था वो था वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, तो हमारी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब उसने पूछ लिया अमूर्त कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, दोनों में तार्किक चिंतन है। ऊपर था वस्तुओं के विषय में और यहाँ पर है कल्पनाओं के विषय में, अमूर्त कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन। तो वहाँ पर हमारी तीसरी अवस्था थी, यहाँ पर आएगी चौथी अवस्था, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो भैया शिशु जब भी उसकी वस्तु खो जाती है, तो वह देखता है और क्या करता है, जिसे हम कहते हैं सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाने वाला है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना किसके अंतर्गत आ जाता है? वस्तु स्थायित्व के अंतर्गत। वस्तु स्थायित्व,
कभी कभी सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि वस्तु स्थायित्व किस अवस्था की विशेषता है, तो ये पहली अवस्था की विशेषता है जिसे हम कहते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। ठीक है, तो ये हमारा थे 7 प्रश्न, इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं। आगे है, अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव, बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन नहीं, समायोजन नहीं, आत्मसातकरण। आत्मसातकरण क्या है? पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना, साम्यधारण नहीं। तो इसमें क्या सही होगा? समायोजन। जब भी कभी वर्तमान अवधारणा में बदलाव होता है, कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह समायोजन के अंतर्गत आता है। आगे है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रचलित योजनाओं की नई जानकारी जोड़ना किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं की नई जानकारी जोड़ना, जब हम कोई नई जानकारी अपने अंदर जोड़ते हैं तो वह किसके अंतर्गत आता है? संगठन के अंतर्गत नहीं, साम्यधारण नहीं, आत्मसातकरण। अभी बताया था कि ये किस में आता है? आत्मसातकरण। जब कोई नई जानकारी हम अपने अंदर जोड़ते हैं तो वह आता है आत्मसातीकरण। ठीक है, और जब कोई बदलाव होता है तो समायोजन में। ऐसा ही देखिए, अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। अब की बार क्या क्या है उसने? संशोधित किया जाता है। पहली बार कहा था बदलाव, परिवर्तन, और दूसरी बार था जोड़ना, जोड़ना में आत्मसातकरण था, और बदलाव में क्या था? समायोजन। अब जब संशोधित किया जाता है, संशोधित करना, बदलाव करना या परिवर्तन करना एक ही बात है, तो ये क्या यहाँ पर आएगा? समायोजन। यहाँ पर भी आएगा समायोजन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 11वां, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? अब संज्ञानात्मक, बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित ना करने वाला कारक, नहीं लगा दिया उसने, ध्यान रखना, कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? पियाजे के अनुसार पूछा है उसने, सामाजिक अनुभव, भाषा, क्रियाकलाप और परिपक्वन। परिपक्वन प्रभावित करता है, क्रियाकलाप प्रभावित करता है। भाषा की बात करें और सामाजिक अनुभव की बात करें तो हम देखते हैं, पियाजे ने कहा था विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है, तो ये भी है प्रभावित करने वाला, क्या नहीं है? सही विकल्प हमारा होगा ए, सामाजिक अनुभव। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये प्रदर्शित कर रही है। ये क्या प्रदर्शित कर रही है? धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। फिर वही विकल्प दिए हुए हैं, साम्यधारणा को प्रदर्शित करती है, कार्य कारण को, अहम केंद्रित या अनुकूलन को। तो क्या होगा? यानी कि कोई कार्य है और उसका कारण भी बता रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो ये कार्य कारण को प्रदर्शित करता है। सही विकल्प है बी। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगे सीटेट की परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और आगे यूपी टेट की परीक्षा में भी आएंगे, तो इन्हें ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।